नमस्कार, एशिया न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूजर गफ्फारी और अभी मैं मौजूद हूं रांची के सदर हॉस्पिटल में। मैं आपको बता दूं कि यहां पे 3 दिनों से जो है डॉक्टर नहीं है, यहां पे सिर्फ नर्स मौजूद है। परिजनों का जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। आइए, कुछ परिजन यहां पे मौजूद है, सीधा बात करते हैं। क्या परेशानी हो रही है आपको? मैं परेशान तो सिलेंडर नहीं रहता था, पेशेंट पर तड़प तड़प के प्राण दे दिए सिर्फ सिलेंडर के चलते। मेरा पेशेंट तो सिलेंडर के चलते चला गया। यहाँ वेंटिलेटर मशीन खराब है कई दिन से। कहाँ है यहाँ का हॉस्पिटल? नहीं है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है मरीज जो है परेशान हाल में है और यहाँ पे पूरी स्थिति जो है चरमराई हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का जो है बहुत ही परेशान हाल में है, लोग तड़प रहे हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं है 3 दिनों से और जो सिर्फ नर्स यहाँ पे कुछ नर्स जो हैं जो यहाँ पे इलाज कर रही है। तो डॉक्टर से इलाज होता है या नर्स से आप खुद समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। जिसको भगवान का जो है दूसरा रूप बोला जाता है डॉक्टर को, वही यहाँ पे 3 दिन से मौजूद नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहे। मैं और आपको और भी कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ और लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। ड्यूटी का माहौल है। क्या परेशानी हो रही है? सबसे ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम है हम लोग यहाँ। उसको डॉक्टर कोई केयर नहीं, सिस्टर तो केयर है ही नहीं है कहीं पर। ICU यूनिट में जब पेशेंट भर रहती है उसको देखने अटेंड करने वाला नहीं है। जितने भी उसके इंस्ट्रूमेंट है कोई काम नहीं कर रहा है। सिलेंडर हम अपने बाहर से ला के लगाए। अब सोचिए कितना परेशानी है। इतना ख़तरनाक में जाकर हम ICU यूनिट में बैठे हुए हैं, उनको देख रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। डॉक्टर सही या नहीं? कहाँ, हम लोग तो अभी तक जब 5-6 घंटा हो गया तो कोई नहीं आया। न सिस्टर आई है, न कोई आया। कहाँ से आए हैं? सेक्टर 2 से, चेक पोस्ट। तो क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाहते हैं उसको देखे सरकार, ताकि कुछ सिस्टम बने यहाँ, कुछ सिस्टम जैसा अभी माहौल बना हुआ है। सर डर लगता है, अपने को भी खुद डर लगता है कि हमको भी कहीं कुछ ना हो जाए। मर रहे हैं हर वार्ड में, 2-3 हर दिन मर रही है। मैम लोग को हड़ताल नहीं दिख रहा है। कब से डेड बॉडी पड़ा हुआ है? डेड बॉडी सुबह डेड बॉडी सुबह में ही आती हुआ है। 7 बजे से डेड बॉडी पड़ा हुआ, कोई देखने वाला नहीं है। बहुत बहुत गंदा हाल है यहाँ का, बहुत ज़्यादा स्थिति है। ना डॉक्टर है, कोई नहीं है। एक होगा लड़ाई के चलते सबको परेशानी हो रहा है। मतलब मरीज खोज के दे रहा है, मतलब मौत का तांडव चल रहा है, कुछ नहीं चल रहे हैं। बहुत खराब हाल है। सरकार का सिस्टम खराब है, सब रो रहा है, कलप रहा, मर रहा है। यही चल मिले थे हम लोग, बोले कि साफ व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था नहीं किया। उसके बाद हर दिन मर रहा है। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से सदर रांची के सदर अस्पताल की पूरी स्थिति चरमराई हुई है। यहाँ पर मरीज परेशान हाल में है। डॉक्टर के ना पहुँचने की वजह से कई मरीजों ने दम तोड़ा। पूरी स्थिति चरमरा गई है और सरकार का यहाँ पे ध्यान नहीं है। लोग परेशान हाल में हैं, ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे मारामारी हो रही है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा है रांची के सदर अस्पताल का और यहाँ पे सारे मरीज जो है परेशान हाल में हैं। जितने मरीज यहाँ पे आ रहे हैं ना, कोई यहाँ पे मैनेजमेंट है ना, कुछ नज़र आ रहा है। एक भी ट्रॉली में नज़र नहीं आ रहे हैं। खुद से परिजनों को जो है मरीजों को ऊपर लेकर के जाना पड़ रहा है और जो है अपना इलाज खुद से कराना पड़ रहा है। और यहाँ पे पूरी स्थिति चरमराई नज़र आ रही है। किसी तरह का कोई भी मैनेजमेंट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। ये नज़ारा रांची के सदर अस्पताल का है। यहाँ पे लोग परेशान हाल में हैं, अफरा तफरी का माहौल है, लोग बेचैन हाल में हैं। यहाँ पे आने से पहले आप एक बार सोचें और जब भी आएँ घर के किसी सदस्य को लेकर के आएँ, चूँकि यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है। पूरी स्थिति चरमराई हुई है और सरकार जो है यहाँ पे ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को और यहाँ पे बेहतर इलाज करने के लिए यहाँ पे ज़रूरत है। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें, एशिया न्यूज़ के माध्यम से आपको पल पल की खबरें मिलते रहेगी। मैं अबूजर गफ्फारी, कैमरामैन नौजीस के साथ, एशिया न्यूज़ इंडिया रांची।